जगह गुरु देवता मंदिर देखते जाने वाले थे, लेकिन वो पता नहीं गूगल मैप ने कहाँ कहाँ दौड़ाया। और आज से इतना वर्स्ट पोपट वो कभी नहीं हुआ गाइस मेरा ज़िंदगी में। पता नहीं 10 किलोमीटर आगे गए, फिर हमें 10 किलोमीटर वापस आना पड़ा क्योंकि बहुत लॉन्ग था और किलोमीटर वो बढ़ता ही जा रहा था। और ये था ये गूगल मैप करने वाला, पता नहीं कौन सा गूगल। कुछ गुरु देवता की मंदिर की एंट्री और एक हमारे पहले ही मंदिर मिला था, दूसरा मंदिर था। और ये काफ़ी लोग आ रहे थे यहाँ पे, और यहाँ पे हेलमेट लगा के पहचान दे तो पहचान लेना गाइस यहाँ पे कौन है। सरप्राइज आ गया। भीमताल के तो काफी चक्कर लग गए इस महीने, तो 3-4 चक्कर लग गए। तो भीमताल आते थे तो बोर हो जा रहे हैं, अब तो अपना वो हो गया है, लग रहा है एक रूम लेना पड़ेगा यहाँ पे गाइस। कर्णप्रयाग, तो गाइस हम जा रहे हैं अल्मोड़ा छोड़ के कर्णप्रयाग जा रहे हैं गाइस, वहाँ से हम जाएंगे। और तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, झकास होंगे। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और आप सोच रहे होंगे मैं रास्ते में कहाँ पे हूँ। सो अभी मैं जा रहा हूँ गाइस अल्मोड़ा, अर्जेंटली प्लान बन गया था कल इनका भुवन लोगों का। सो भाभी लोग और भुवन लोग भी जा रहे हैं, तो भाभी लोग निकल गई और मैं अभी पहुँचा हूँ हाईवे में। तो वो थोड़ा दूर भी कहीं नहीं निकली है, तो मैं थोड़ा ब्लॉग शूट करने के लिए यहाँ पर रुक गया था और भाभी लोग गई और शायद भास्कर बिहार। तो हम लोग 6-7 लोग जा रहे हैं, तो देखते हैं वहाँ पर मिलेंगे आपको। और अभी भुवन को पिक कर लेंगे वहाँ पे, भुवन को हल्द्वानी मिलेगा आपको, तो अभी जा रहे हैं हल्द्वानी। सो मैं आपको मिलता हूँ। और मैंने ब्रेकफास्ट कुछ नहीं खाया सुबह से और जस्ट उठा था, और भाभी उन्होंने बहुत फ़ोन किया तब उठा मैं, क्योंकि गाइस कल जस्ट आप क्या कहते हैं कल चैलेंज वीडियो वो करी थी, तो एडिट करने में रात में एडिट करी थी, तो बड़ी देर हो गई। अभी मैं निकलता हूँ और जल्दी निकले, आज ठंडा मौसम हो रहा है क्योंकि हमें जल्दी निकलना। आज मुझे लॉन्ग ट्रिप में जाना है, तो थोड़ा अल्मोड़ा दूर है यहाँ से, तो लगभग 4 घंटे लगेंगे यहाँ से। तो अब निकलता हूँ यहाँ से, और काफ़ी ट्रैफिक अभी क्योंकि दिन में ट्रैफिक कम मिलेगा, तो अब निकलते हैं यहाँ से। तो मिलता आपको सुबह। बॉयस वन रेडियो पहुँच गया हल्द्वानी और भुवन के घर पहुँच गया, अभी पहुँचा जस्ट। और ये तो पता नहीं क्या ही कर रहा, पता नहीं सुबह से जल्दी इसको उठा दिया, तब भी पता नहीं अभी तक रेडी नहीं हुआ ये। इसके देखो कपड़े फटा के चला गया यहाँ पे, पूरा बिस्तर बोरे लेके जा रहा पता नहीं, और घुसा पड़ा अभी टॉयलेट में गाइस। थोड़ी देर में आएगा और भाभी लोग तो आती होंगी, और मैं तो जल्दी निकल आया उनसे पहले, क्योंकि मेरे को इसको लेना भी था, इसको पिक भी करना था। और ये पता नहीं घंटा लगा रहे थे देर से, पता नहीं क्या बना रहा था, खाना बना रहा था, क्या बना रहा था, अभी भी कह रहा है कि कुछ बनाने को रह गया है, पता नहीं क्या कर रहा था इतनी देर से रात में, पता नहीं पढ़ाई करता है, पता नहीं क्या करता है, पता नहीं कोई पता चला होगा। अभी आता है तो मिल पाता हूँ गाइस हर उस इंसान से। गाइस मुंह उठाए, तुम्हें कह दिया ये कुछ कहना कर रही थी। देखो गाइस पहचान रहे गाइस, अकेले अकेले बरबरा रही है। तो बॉयस यहाँ पे खाना पीना हो गया और भाभी ने यहाँ पे आके बनाया और भुवन ने रेडी कर दिया सब कुछ। और यहाँ पे हेलमेट लगा के पहचान रहे तो पहचान लेना गाइस यहाँ पे कौन है। सरप्राइज आगे आगे मिलेगा। और यहाँ से रेडी हो गए और 7 बज गए और ये निकल रहे हैं, हम भी निकलते हैं गाइस। और ये हमारा लोड हुई, हमारे फिल्म राइटर बने गए, हम निकलते हैं, बहुत लेट हो गया और धूप तो काफ़ी जल्दी आती थी। तो मिलते हैं आपको बाहर। तो बॉयस फाइनली हम पहुंच गए यहाँ पे भवाली और भीमताल क्रॉस कर गए। तो बार बार मैं भीमताल आते रहता हूँ, तो मैंने सोचा क्या दिखाऊँ, और ये पागल पत्नी देखो इसकी गाइस। और भीमताल के तो काफ़ी चक्कर लग गए इस महीने, तो 3-4 चक्कर लग गए। तो भीमताल आते थे तो बोर हो जा रहे हैं, अब तो अपना वो हो गया है, लग रहा है एक रूम लेना पड़ेगा यहाँ पे गाइस, लॉटरी करनी पड़ेगी। और आज पहली बार भीमताल से कहीं आगे जा रहे हैं, मतलब कैचीधाम तो गए थे, आई फिर अल्मोड़ा जा रहे हैं और देखते हैं कैसी जगह है। पहली बार जा रहा हूँ, ये भी पता नहीं पहली बार जा रहा है ना, ये तो जाते रहते हैं, इनका घर हो रहा है। और देखो गाइस पीछे देखो कितना मस्त दिख रहा है भयंकर। और यहाँ पे थोड़ा रुके थे रेस्ट करने, क्योंकि बहुत हो गया था, कब से चलाए जा रहे थे और 7 बजे निकल गए। सो अभी हम चलते थे, यहाँ 15 जून को मेला लगेगा, 15 जून को विशाल भंडारा होने वाला। और सब भीड़ देखी एकदम जबरदस्त हो रही है। Thank you.
दर्शन नहीं कर पाए और दूर से दर्शन कर लो हमारे ब्लॉग के माध्यम से दर्शन कर लो। यहाँ 10-15 दिन में मेला लगने वाला है। ये दुकान हम भी लगाएंगे गाइस, यहाँ पर हमने गाइस अब असली जर्नी अब स्टार्ट होने वाली यहाँ से, और यहाँ से हमारा अब नया रूट होने वाला है। लेकिन कैसी धाम तो बहुत बार आ गया हूँ और इससे आगे अब जा रहे हैं, तो बने रहे वीडियो में। तो गाइस ये जो कार दिख रही है गाइस, इसमें बहुत ही हैवी ड्राइवर बैठे पड़े हैं, ये हमारे एक दादाजी बैठे पड़े हैं गाइस, और ये काफ़ी हैवी ड्राइवर चला रहे हैं, और एक साइड का तो शीशा उड़ गया, इनके पास कोई खबर ही नहीं है रास्ते में, इतनी खतरनाक चलाते आ रहे हैं, पता नहीं कैसे ही शीशा उड़ गया इनको, खबर ही नहीं है। और गाड़ी तो हर जगह से स्क्रैच वो है, कहीं कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी स्क्रैच नहीं मिलेगा, और इनकी ड्राइविंग तो देखोगे भयंकर, आप भी हैरान हो जाओगे गाइस। और रोड भी थोड़ी मस्त लग रही है, यहाँ पे उल्सा लग रहा है ये गाइस, देख रहे हो टेरी डाम आ गया गाइस, टेरी डाम। तो गाइस फाइनली हम कैंची धाम से तो निकल गए। प्लान था हमारा, पहले सोच रहे थे कि दर्शन करवा लें भाभी लोगों को, तो उन्होंने तो कर ही नहीं थे, हमने तो कर लिए, और देखा तो बहुत भीड़ उड़ती, तो हम वहाँ से निकल आए, और अभी हम जो मेन मकसद था हमारा अल्मोड़ा, तो उसके लिए निकल चुके हैं, और यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दिखा रहा है अल्मोड़ा, और अभी रामगढ़ पहुँचे, रामगढ़ कोई जगह है पता नहीं, अब सुकून है, और यहाँ पर रोड काफ़ी मस्त है और ट्रैफिक भी नहीं इतना गाइस, तो आराम आराम से जा रहे हैं। और अभी पता नहीं अल्मोड़ा मुझे निचाई में लग रहा है, अभी क्या पता फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर आते जाए, अभी तो फिलहाल तो नीचे स्लोप डाउन नहीं जाता जा रहा है, और यह ज़्यादातर ऐसी आपको दिखेंगी ये ट्रैवलर गाड़ी भी यही ज़्यादातर ले जाती हैं, और टूरिस्ट लोग तो अभी कम दिख रहे हैं क्योंकि शायद चले गए हों या आ रहे हों, ऐसा कुछ सीन है, और बाकी तो टूरिस्ट लोग तो अल्मोड़ा कम ही जाते हैं घूमने, बाकी लोग तो ज़्यादातर कैंची धाम ही आते हैं, तो कैंची धाम में काफ़ी भीड़ थी, और मेला भी लगने वाला है 15 जून को, तो जो भी आना चाहे तो आ सकता है, लेकिन भीड़ बहुत होती है, तो जो भी आना सकता है देख लेना, तो मिलता है। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं खैरना बाज़ार में, और ये यहाँ से कुछ खैरना की मार्केट स्टार्ट होती है गाइस, पहली बार नाम सुना है खैरना, हमारे यहाँ तो खैरोना है। यहाँ की मार्केट की रोड थोड़ी अलग ही है, मतलब थोड़ी और जगह से, क्योंकि और जगह तो ट्रैफिक लग जाता है, इधर से ट्रैफिक कम है गाइस, उधर से ज़्यादा है, ऐसा कुछ सीन है। और ये बगल में काफ़ी बड़ा पहाड़ लग रहा है, पहली बार इतना बड़ा थी, एक तो ऊंचाई में आप बड़ा पहाड़ दिखाया देखा था, आपको दिखाना भूल गए, काफ़ी ऊंचाई में लंबा था मैं इनका, बहुत ही ऊंचा था, और ये पहाड़ को दिक्कत है, ऐसा लग रहा है कि जयपुर की याद आती है, जयगढ़ पहाड़ की याद आती है। यहाँ से अल्मोड़ा कर्णप्रयाग, तो गाइस हम जा रहे हैं अल्मोड़ा छोड़ के कर्णप्रयाग जा रहे हैं गाइस, वहाँ से हम जाएंगे और दो पुल। तो गाइस फाइनली हम खैरना से पार हो गए, और ये रोड शायद ये रोड काफ़ी मस्त है, और ये रोड कर्णप्रयाग से जाती है केदार बद्रीनाथ, हो बद्रीनाथ यही जाएगी, केदारनाथ का पता नहीं गाइस, शायद ये भी यही जाती है केदारनाथ, और रोड बहुत मस्त चला चक है, और साइड से एक रिवर सी जा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है रिवर को देखते हुए किनारे, और यहाँ पे मस्त पहाड़ से आप देख सकते हैं गाइस कितने मस्त पहाड़ हो रहे हैं,
और ऐसा लग रहा है जन्नत आ गया गाइस। और यहाँ की रोड भी चौड़ी है तो मस्त लग रहा है गाड़ी चलाते हुए, और ट्रैफिक यहाँ पे कम लग रहा है तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, तो बने रहे अभी। तो इस फाइनली हम पहुँच गए यहाँ पे, अल्मोड़ा पहुँच गए थे कब के, और अभी हम आए, हमको जाना था गाइस गोलू देवता मंदिर, और ये ले आए मेरे को गाइस जागेश्वर मंदिर, ये सूर्यमल कर मंदिर बोल के, और ये क्या कहते हैं इसे बोला था कि हमने कहा गोलू देवता मंदिर जाएंगे पहले, उसके बाद फिर और कहीं जाएंगे, और ये पता नहीं इसने क्या सोच के पता नहीं क्या सूर्य कटारमल मंदिर बोल के लगा दिया, और यहाँ पर ले आया ये जागेश्वर मंदिर में। फिर भी लेकिन घूमना था तो आ गए हम यहाँ पे, और अब यहाँ पे जाएंगे हम गोलू देवता मंदिर, और यहाँ पे काफ़ी गर्म लग रहा है क्योंकि धूप के मारे गर्म हो गया, और काफ़ी अच्छे मंदिर आपको छोटे छोटे मिल जाएंगे आपको, तो अभी आपको दिखाता हूँ सिनेमैटिक शॉट। बस ये है कुछ बड़ा सा मंदिर, और ये ऐसे कुछ ये है, और यहाँ पे घूमते हुए गाइस, और ये आपको छोटे छोटे मंदिर दिख जाएंगे यहाँ पे, ये भी मंदिर में आते हैं बहुत सारे हैं, ये ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मिल जाएंगे बहुत जगह जगह, उस पार भी शायद, और ये ऐसे जंगल गाइस ऐसा कुछ सीन है, और ये छोटे छोटे मिल जाएंगे गाइस। तो ये कुछ मंदिर के बारे में लिखा पड़ा है जो आपको जानकारी चाहिए तो इस मंदिर से आप पढ़ सकते हैं, ये पॉज करके पढ़ लेना, और इंग्लिश में जिसकी जरूरत है ये पढ़ लेना गाइस, चेक दिस आउट। और ये सूर्य मंदिर कुछ कटारमल करके है, ये अल्मोड़ा पड़ता है, चाचू को यहाँ से मिलता है आपको। बॉयस अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30, और अभी तक हम पहुँच नहीं पाए अल्मोड़ा, तो कब के पहुँच गए पता नहीं, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं गाइस। और जो पिछला मैंने मंदिर दिखाया था वो सूर्य कटारमल मंदिर था, और वो जागेश्वर नहीं था, क्योंकि इसमें जागेश्वर धाम मंदिर में 100 वो होते हैं छोटे छोटे मंदिर, लेकिन इसमें 45 ही थे, वो थोड़ा दूसरा मंदिर था और थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। और अभी बारिश हो गई यहाँ पे तो हम थोड़ा यहाँ पे रुक गए, और साथ के पीछे आ रहे हैं, और एक दूसरी जगह गोलू देवता मंदिर देखते जाने वाले थे, लेकिन वो पता नहीं गूगल मैप ने कहाँ कहाँ दौड़ाया, और आज से इतना वर्स्ट पोपट वो कभी नहीं हुआ गाइस मेरा ज़िंदगी में, पता नहीं 10 किलोमीटर आगे गए, फिर हमें 10 किलोमीटर वापस आना पड़ा क्योंकि बहुत लॉन्ग था और किलोमीटर वो बढ़ता ही जा रहा था। और ये था ये गूगल मैप करने वाला, पता नहीं कौन सा गूगल, एक तो पता नहीं यहाँ पे गूगल गोलू देवता मंदिर बहुत सारे दिखा रहे थे, एक और जय गोलू देव मंदिर भी दिखा रहा था, कभी रुके पड़े, और भैया भाभी लोग आ रहे, हम बारिश हो गए तो कुछ सामान कुछ नहीं लाए तो यहाँ पर रुक गए, और भैया अभी गोलू देवता मंदिर गए नहीं है, और फिर कुछ खाया भी नहीं गाइस, बहुत ही खतरनाक हो गया है। एंड गाइस आपको मैं एक रिकमेंड करूँगा, कहीं भी आप घूमने जाएं तो जो जिसको अच्छे से पता हो उसी के साथ जाएं, ऐसे इनके चक्कर मत पड़ना गाइस, ऐसे कुछ नहीं है। और वेट कर रहे हैं, सब चलते हैं, और आज आए हैं तो गोलू देवता मंदिर जाके रहेंगे, और बाइक चलने की पता नहीं थी कैसे, कभी शाम हो गई यहाँ पे तो ऐसे कुछ सीन है, अभी थोड़ी देर में बारिश हो रही है, आपको दिख रही है बारिश में यहाँ पर, देखो तेज हो रही कभी धीरे हो रही कभी तेज हो रही, और ये हमारा भाई कैसा बैठ गया, ये लावा रिश्ता, तो इसको जानते हुए उठा के ले जाना गाइस, अल्मोड़ा में छोड़ जाऊंगा इसको, और वो लोग तो पता नहीं कहाँ रह गए गाइस, हम तो पहले जल्दी जल्दी तेज भाग के आ गए, और बाहर से देखो चेक दिख रहा होगा गाइस, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा गाइस, ये